हे गाइस, व्हाट्सअप। तो क्या हाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो आज फाइनली है मेरे कॉलेज का ओरिएंटेशन, एंड अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कॉलेज में ओरिएंटेशन कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट अबाउट दिस एंड अ लिटिल नर्वस। तो भाई लेट्स सी कि क्या क्या होता है। मैंने यूट्यूब पर भी कुछ नहीं देखा क्योंकि वो एक्साइटमेंट नहीं रहती फिर, जब पता ही है कि ये होना है। सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी न्यू, a new beginning, new vlogs, new channel, new everything. So let's see, and we'll try to make new friends, enjoy the orientation, and take you with me to the college orientation. Let's go. तो भाई पहुँच गया हूँ मैं मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से मेट्रो पकड़ कर जाएंगे अपना NSP, नेताजी सुभाष पैलेस। वहाँ से चेंज करनी पड़ेगी मुझे रेड लाइन में, और मेरे साथ बहुत ऑकवर्ड मोमेंट हो गया। मैं भाग कर आ रहा था और इट शुड हैव बीन एनॉर्मस, और मतलब क्या बोलते हैं, अमेजिंग एग्जिट, पर मेरे बैक की स्ट्रिंग टूट गई। मतलब टूटी नहीं, खुल गई थी, वो मैंने जोड़ी नहीं थी शुरुआत में। तो अब देखते हैं भाई कहाँ शुरुआत ऐसी हुई है। तो देखते हैं, आज पूरा दिन शायद फनी जाए, आप लोगों को मजा आया देखने में शायद। लेट्स सी। भाई आई डोंट नो इफ यू कैन हियर मी और नॉट, बट भाई पहुंच गए NSP नेताजी सुभाष पैलेस, एंड यहां से अब रेड लाइन में चेंज कर रहे हैं। यहाँ अब मेट्रो आई नहीं है, अभी यहाँ से रिठाला जाना है। मेट्रो आ गई बोलते ही, बहुत बढ़िया। तो सी यू एट रिठाला। भाई BPIT पहुँच गए हैं और एक दो सीनियर से बात भी हो गई है। देखते हैं अब क्या होता है, लाइक कुछ पता नहीं है आगे का। बहुत नर्वसनेस भी हो रही है, एक्साइटमेंट भी है। सीनियर्स तो कह रहे हैं कि एक दिन की है बस। मज़ा तो आया बात करने में, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो भाई पहुंच गया कॉलेज, बात सब हो गई, एक दो नंबर एक्सचेंज हो गए, सीनियर से बात हुई, कुछ और फ्रेशर्स हैं एक दो, लेकिन मजाक हो गया। एक सैड न्यूज़ है काफ़ी, मैं भी मतलब मेरे को भी लग रहा है कि अगर मैं पहले वेबसाइट चेक कर लेता तो शायद। मैंने वेबसाइट चेक नहीं करी और सबसे बड़ी गलती। तो भाई हुआ ये कि ओरिएंटेशन पोस्टपोन हो गया। और इसका रीज़न था कि स्पॉट राउंड चल रहा है अभी, और स्पॉट में डिले हो गया IPO की तरफ से, तो इसलिए ओरिएंटेशन डिले कर दिया। 6th को ओरिएंटेशन, पता नहीं मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मेन क्लासेस 11th से हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है भाई। अभी तो कैंपस घूम लेते हैं, आपको टूर करवा देते हैं कैसा कैंपस है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी शायद सीनियर्स के। तो लेट्स सी क्या क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ एंड क्या क्या इस व्लॉग में इंक्लूडेड है। लेकिन यार दुख बहुत हो रहा है कि ऐसा हो गया भाई। पहले वेबसाइट चेक कर लेता, एक्साइटमेंट में कुछ भी चेक नहीं करा मैंने, एक्साइटमेंट ही इतनी थी कॉलेज आने की। चलो भाई आपको कैंपस टूर कराते हैं फिर। अब BPIT का मेन एंट्रेंस है, यहाँ पार्किंग है साइड में सब जगह, ये एडमिन ऑफिस है इसका बीच का,
ये एक भगवान परशुराम जी की एक स्टैचू है यहाँ पे। और एडविन ब्लॉक से अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो वहाँ से नहीं जाने दे रहे हमें, क्योंकि कोई फेस्ट होगा शायद, पता नहीं। टेंट वेंट लग रहे हैं उधर, अगर आप देख पा रहे हो तो टेंट वगैरह हैं उधर। तो भाई अभी तो मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, उस साइड भी मना कर दिया है एडमिन ब्लॉक के, दूसरी साइड भी नहीं जा पा रहा हूँ मैं, इधर भी नहीं जा पा रहा हूँ गार्डन की तरफ, स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ। तो क्या करना है फिर, घर वापस ब्लॉग एंड या फिर कुछ और टूर करते हैं। तो भाई हुआ क्या, मैं शूट कर रहा था एंड एक सीनियर आए और उन्होंने लाइक बोला कि मतलब अपना आप ही बुलाया, क्या पता आपको ब्लॉग में लास्ट जो पार्ट है उसमें शायद आपको देखने को मिल जाए एक ग्लिम्स उनकी अलग से, मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह, एंड लाइक बोला कि नंबर ले लो एंड ऑल। तो इट वाज नाइस, हंसी आई मुझे थोड़ी सी क्योंकि नया है ऐसा कोई, मतलब स्कूल में तो ऐसा कोई सीनियर बोलता नहीं था ना। इट वाज गुड भाई एक्सपीरियंस करना वो भी। अब क्या करना है, घर जा रहे हैं, बहुत सैड हो गया वैसे मैं जो सच बताऊँ तो, कि आज तो जो ओरिएंटेशन होनी थी वो पोस्टपोन हो गई एंड आई डोंट नो कि व्हाट एल्स टू एक्सपेक्ट, और देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ से तो मैं ले रहा हूँ रिक्शा वापस मेट्रो तक का, क्या ही घूमना अकेले धूप में, धूप भी बहुत हो रही है। भाई रिक्शा में बैठ गए और अब आ रहे हैं वापस मेट्रो स्टेशन, रिठाला मेट्रो स्टेशन। और बाकी सब तो सब बिजी हैं अभी स्पॉट राउंड की वजह से, तो ऐसा कुछ बात हो नहीं पाई। बाकी जो कॉपरेशन था वैसे एसएस टीचर का वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, और बहुत ज़्यादा हॉर्न एसएस स्ट्रिक्ट नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स अच्छी थी, टीचर से बात हुई एकदम अच्छा, वे ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छा था। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट स्टार्ट टू द क्लासेस एंड कॉलेज, दैट मेड मी हैप्पी एक्चुअली। बाकी तो मैं थोड़ा उदास था, ओरिएंटेशन मेरा कैंसिल हो गया ना इस वजह से, एंड कैमरा एंगल मैंने सुधारा है फ्रॉम जैसा आप देख रहे हो। भाई फाइनली अपने स्टेशन में पहुंच गया मैं, अब इस ब्लॉग को एंड कर सकता हूं अच्छे से, थोड़ा थक गया हूं। खैर रोज़ की ट्रैवलिंग होगी अब तो, लेकिन क्या करें। तो आई एंड इट हेयर एंड बस इतना ही है कि होप कि अभी है ओरिएंटेशन तो एक्चुअल में मैं पूरा रिसर्च करके जाऊंगा और वो हो एक्चुअल में कॉलेज में जाने पे। और सी यू ऑफ इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाकी ब्लॉग्स अब आते रहेंगे, आप अपडेटेड रहिएगा, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।